उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी काम करते हैं वो एक मिसाल बन जाती है, एक नजीर बन जाता है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर 2017 के बाद से जब पूरे प्रदेश में गरजा तो पूरा प्रदेश जो है वो दहल गया। प्रदेश के माफिया जो हैं, गुंडे जो हैं, अराजक तत्व हैं, वो पूरी तरह से दहल गए, सहम गए। और इसी बुलडोजर को लेकर कोलकाता के हाई कोर्ट ने के जज ने ये कहा कि यदि तुम्हारे बस की बात नहीं है तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को मंगा लो, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वो काम कर देगा जो काम तुम लोग नहीं कर पा रहे। अर्थात योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब पूरे देश में एक नजीर बन गया है, एक मिसाल बन गया। और इसीलिए विपक्ष को भी तमाम बार योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का सहारा लेना पड़ता है, मदद लेनी पड़ती है, और वो बुलडोजर काम आता है गुंडे और माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उन्हें नस्तनाबूद करने के लिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर के कोतवाली में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे और वहां पर भीड़ अराजक हो गई, जबकि हजारों की संख्या में थे। अगर थाने पर दबाव डालते या पुलिस अधिकारियों से वो उस समय कहते तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट दर्ज होती, क्योंकि मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। तो ऐसे में वहां के भी मुख्यमंत्री मोहन यादव निश्चित तौर पर जो भी अपराधी होता उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते ही करवाते, कड़ी कार्रवाई भी करते। लेकिन जब बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे तो वो अराजक हो गए और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बजाय उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी दौड़ा लिया, वहां पर जो लोग थे उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। और जब कट्टरपंथियों ने पथराव शुरू किया तो इसके चलते वहां पर अराजकता का माहौल पैदा हो गया। पुलिस बल को भी भागना पड़ा क्योंकि पुलिस संख्या कम थी और थानों को पुलिस जब तक आती तब तक अगर कोतवाली के पुलिस बल वहां पर खड़े रहते, पुलिसकर्मी खड़े रहते, तो हो सकता था कि उनके साथ बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि तमाम पुलिसकर्मी वो पथराव में घायल हुए और उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि उन्हें वहां से भागना पड़ा। जब पुलिस अन्य थानों की आई तब स्थिति किसी तरह से संभली और उसके बाद फिर जो है मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना एक्शन लिया। मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरह आ गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह से सख्त कार्रवाई करती है, जिस तरह से कठोर कार्रवाई करती है, जिस तरह से बाबा का बुलडोजर गरजता है, उसी तरह से मध्य प्रदेश की पुलिस भी एक्शन में आ गई। मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक हाजी साहब थे जो अगुवाई कर रहे थे मुस्लिमों का, जो अगुवाई कर रहे थे भीड़ तंत्र का, और वो भीड़ तंत्र को लेकर आए थे, उन्हीं की अगुवाई में पथराव शुरू हुआ था। पुलिस की टीम पहुंचती है बुलडोजर लेके और वो हाजी साहब के बड़े मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। बताया जाता है कि वो मकान जो है 20 करोड़ रुपए के करीब करीब लागत से था, 7 साल से लगातार वो बन रहा था, अभी भी निर्माण कार्य चल रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि कहां से पैसा आ रहा था, किस तरह से पैसा आ रहा था कि 7 साल से लगातार वो मकान बन रहा था और उस मकान का निर्माण अभी भी लगातार जारी था। 20 करोड़ रुपए की करीब करीब कीमत बताई जा रही है और जब उस पर बुलडोजर गरजा तब उसकी अवैध कमाई, काली करतूतें सारी की सारी खुलने लगी। हाजी साहब कहाँ के थे, कैसे थे, किस तरह से उन्होंने अवैध कमाई की और कैसे किस तरह से उनका अराजकता वो उन्होंने फैला रखी थी, उस सब के बारे में जानकारी धीरे धीरे खुलने लगी। और उसके बाद तमाम ऐसे अवैध निर्माण जो काली कमाई से कमाए गए थे, खड़े किए गए थे, उन सब पर भी बुलडोजर गरजना शुरू हो गया। और उसके बाद जो पथराव करने वाले आरोपी थे, जिन्होंने पथराव किया था, जिन्होंने पुलिस को दौड़ा लिया था, जिन्होंने थाने में घुसकर कोतवाली में घुसकर जमकर पथराव तोड़फोड़ कर की थी, वो सोच रहे थे कि वो सबसे बड़े दादा बन गए हैं, वो सोच रहे थे कि वो सबसे बड़े ताकतवर बन गए, वो सोच रहे थे कि अपने ही देश में पुलिस को मारकर, पुलिस पर पथराव करके अब उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन जब उनको पकड़कर सड़कों पर उनका पुलिस कर्मियों ने परेड कराई तब उनकी शक्ल देखते बन रही थी, तब उनका चेहरा देखते बन रहा था। जो पथराव कर रहे थे, जो पुलिस को दौड़ा रहे थे, जो सोच रहे थे कि पुलिस को दौड़ाकर अब एक बहुत बड़ी जीत वो हासिल कर रहे हैं, वो जब परेड में शामिल हुए
तब उनके चेहरे को देखते बन रहा था। वो सही अपने पैर से ठीक प्रकार से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे थे, लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, सही तरीके से वो चल नहीं पा रहे थे। पूरे लोग छतरपुर के और तमाम और इलाकों से लोग आए और वो सारे लोग देख रहे थे इन कट्टरपंथियों को, जिन्होंने कोतवाली पर पथराव किया था, जो पुलिस कर्मियों को भी मारने के लिए एकदम दौड़ पड़े थे और पथराव करके उन्हें मार भी सकते थे। लेकिन जब परेड के दौरान उनको देखा गया, उनकी शक्लें देखी जा रही थी, तो चेहरे सभी के उतरे हुए थे, चेहरे सभी के बुझे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि लाठियों से उन पर जमकर बारिश हुई है। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी हालत बद से बदतर है। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब कानून का शिकंजा उनके खिलाफ कसा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी जो पथराव कर रहे थे एक दिन पहले, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को दौड़ाया था, उन सारे लोगों के हौसले पस्त हो गए थे और उन्हें ये समझ में आ गया था कि कानून के आगे किसी की नहीं चलती है। नियम और कायदे से वो कोतवाली में पहुंचते और रिपोर्ट दर्ज कराते तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती और जिस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही थी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती। लेकिन यही भीड़ तंत्र का, यही उन्मादियों का, यही कट्टरपंथियों का एक सबसे बड़ा गलत रास्ता होता है। वो किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। कहीं पर भी थाने पर पहुंच जाएंगे, कहीं चौकी पे पहुंच जाएंगे, पुलिस और प्रशासन के पास पहुंच जाएंगे, कहीं सड़कों पर, हाईवे पर, कहीं पर भी पहुंच जाएंगे, वहां पर जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लूटपाट करेंगे, अपराध करेंगे, ये अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। जैसा आप सबको लगातार देखने को सुनने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है, चुनावों के बाद जब ममता बनर्जी की सरकार बनती है, तो वहां पर कैसे कट्टरपंथी, कैसे मुस्लिम, कैसे टीएमसी के कार्यकर्ता वो लूटपाट करते हैं और लूटपाट करते हुए वो हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। यही काम कभी उत्तर प्रदेश में 2014 और 17 से पहले होता था। उत्तर प्रदेश में भी यही कट्टरपंथी, यही लोग अराजकता करते थे, यही लोग जो है सड़कों पर उतरकर जाम लगा दिया करते थे। बात बात पे यहाँ उत्तर प्रदेश में थानों का घेराव होता था, बात बात में तमाम ऐसे हिंदू इलाके होते थे, हिंदू क्षेत्र होते थे तमाम जिलों में, जो अपने घर और मकान को खाली करके पलायन के लिए मजबूर हो जाते थे, अपने घर मकान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। वो इसलिए क्योंकि भीड़ तंत्र दौड़ती थी उनके पीछे, भीड़ तंत्र उन्हें परेशान करती थी, आए दिन उनके साथ मारपीट होती थी, आए दिन उनके साथ दंगे और फसाद हुआ करते थे। ऐसे में यूपी के ही तमाम जिलों से, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे कैराना हो, मेरठ हो, तमाम ऐसे जिले यूपी के ही थे जहां से हिंदू अपने घर और मकानों को छोड़कर बेचकर पलायन कर रहे थे। यानी ये भीड़ तंत्र, एक विशेष समुदाय के लोग, ये क्या चाहते हैं? ये सिर्फ चाहते हैं कि इनको थाना घेरने को मिले, ये चाहते हैं कि ये पथराव करने को इनको मिले, ये चाहते हैं कि कहीं पर भी रोड को, हाईवे को जाम कर दें, जनता को, पब्लिक को परेशान करें। वहां से निकल रही जो एम्बुलेंस है उसमें अगर मरीज है, गंभीर अवस्था में है, तो उसको रोका जाए और उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाए। इस तरह का ये करने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से जब योगी ने कमान संभाली तो लगातार बुलडोजर गरजता गया, लगातार बुलडोजर गरजता गया, और इसके चलते जो अपराधी थे, गुंडे थे, माफिया थे, अराजक तत्व थे, जो पथराव करने वाले लोग थे, वो घरों तक सहमे और उसके बाद उन्हें पता चल गया कि कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही रहना चाहिए, कानून के अंतर्गत रहकर ही कोई भी कदम उठाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में वो भूल गए थे कि अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने कमान संभाली है और उनका भी तेवर कई बार योगी आदित्यनाथ की तरह दिखाई दे जाता है। मोहन यादव भी जब भी कहीं पर अराजकता होती है, जब भी कहीं पथराव होता है, जब भी कहीं पर अपराध होता है, तो उस पर कानून का शिकंजा कसने में पीछे नहीं हटते। तो छतरपुर में जब ये स्थिति हुई, कोतवाली में जब पुलिस कर्मियों को दौड़ाया गया, पथराव किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, तब फिर जो है योगी आदित्यनाथ की ही तरह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने बुलडोजर को आदेश दिया, यानी बुलडोजर के जो चालक थे उनको आदेश दिया और बोला कि ढूंढ ढूंढ कर उन अपराधियों को जो अवैध संपत्ति एकत्र किए हैं, बनाए हैं, निर्माण कराया है, जिन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है, जो अवैध काम करते हैं, अवैध कारोबार करते हैं, उन सब की संपत्तियों को
ध्वस्त कर दो, उन सब की संपत्तियों को तबाह कर दो। तो ये आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के जो बुलडोजर है, वो उस बुलडोजर की मांग बहुत सारे देश के अलग अलग राज्यों में है। एक समय ऐसा था कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब उस समय कांग्रेस की सरकार में भी तमाम भाजपाई गरज कर उतरते थे, सड़कों पर उतरते थे और वो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की मांग करते थे। हरियाणा में भले ही भाजपा की सरकार है, लेकिन हरियाणा में भी जब तब लोग, वहां की पब्लिक, वहां की जनता अराजक तत्वों के खिलाफ और अवैध संपत्ति को इकट्ठा करने वाले, निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरती है और वो कहती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका बुलडोजर यहां पर भी गरजना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर गरजता है वो अराजक तत्वों के खिलाफ, गुंडे माफिया उनके खिलाफ गरजता है और यही बुलडोजर धीरे धीरे पूरे देश में नजीर बन गया है। अब तो पूरे भारतवर्ष में मांग आ रही है, अब तो पूरे भारतवर्ष में पुरजोर तरीके से ये मांग उठ रही है कि पूरे देश के कोने कोने में, हर राज्य में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंचना चाहिए और गरजना चाहिए। जो भी अराजक तत्व हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सब के अवैध निर्माण और अवैध कब्जे को ध्वस्त करना चाहिए और उन्हें कानून व्यवस्था के शिकंजे में लाना चाहिए।